नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म तूफान के ट्रेलर के विषय में। जब इस फिल्म की घोषणा हुई थी, मैंने आप सभी से उसी समय से कह दिया था कि इस फिल्म का हमने बायकॉट करना है। फिल्म की कहानी तो वैसे भी उसी ढर्रे पर चली आ रही है जिस पर कभी अपने बनी थी, जिस पर कभी दो लफ्ज़ों की कहानी बनी थी, जिस पर ब्रदर्स बनी थी। इन्हीं सबको मिला जुला करके ये कहानी बना दी गई है, एक तरीके से कहें कि थोप दी गई है। लॉकडाउन लगा हुआ है, काफ़ी सारे लोग अपने घरों पर हैं, वाईफाई लोगों ने लगवाया हुआ है, फ्री का डेटा भी मिला हुआ है, तो भले इसको क्यों ना देख ले, पर ऐसा कभी ना सोचे। फ्री में भी कोई देखने को बोले तो भी ना देखें। और भी बहुत सारी फिल्में आई हैं, बहुत सारी सीरीज आई हैं। अगर बहुत सारा टाइम है, अध्ययन स्वाध्याय नहीं करना चाहते हैं, पूरी तरीके से आधुनिकता में ही डूबे रहना चाहते हैं, अगर देखना ही है तो कुछ और देख लीजिए, इसको क्यों ना देखें। इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने ट्विटर पर जाना है, वहां पर जेम्स ऑफ बॉलीवुड करके एक पेज है, वहां से आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से जावेद अख्तर यानी कि फरहान अख्तर के अब्बू जान और सलमान खान के अब्बू जान यानी कि सलीम खान, इन दोनों लोगों ने मिलकर के हिंदुओं का उपहास बनाने वाली कितनी सारी फिल्में लिखी हैं। यही नहीं, इनके दूसरे जो रिश्तेदार थे यानी कि खानदान के जो लोग हैं, उन्होंने भी हिंदुओं का अपमान करते हुए हिंदुओं को पूरी तरीके से गुंडा, बदमाश, डकैत, रेपिस्ट यही दिखाने का प्रयास किया हमेशा। और मुसलमान जो था वो हमेशा पूरी तरीके से एकदम ईमानदारी का चोला ओढ़ करके आने वाला एक ऐसा कैरेक्टर जो सीधे ही जन्नत से टपका हो। जबकि अब तो अब्दुल भी मान बैठा है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं वो सारे सारे मुसलमान ही होते हैं। इसके लिए आप इस ट्वीट को पढ़िए। दिल्ली के अंदर एक दल ने इस बात का आवाहन किया कि आप लोगों को असामाजिक जो तत्व हैं उनसे फल नहीं खरीदने हैं। लेकिन एक अब्दुल आता है, इस पोस्ट को अपने ट्वीट में डालता है और वहां पर लिखता है, ये देखिए मुसलमानों का विरोध चल रहा है। यानी कि अब्दुल खुद बता रहा है कि असामाजिक तत्व मतलब मुसलमान। लेकिन जावेद अख्तर हो या सलीम खान, इन्होंने मुसलमानों को हमेशा दूध का धुला हुआ दिखाने का प्रयास किया है। यही नहीं, उनका जो बेटा है फरहान अख्तर, रियल लाइफ में लव जिहाद तो वो कर ही चुका है, यहाँ तूफान फिल्म में आकर के भी लव जिहाद करता है। हमने इसका जो पहले आपको बायकॉट करने के लिए कहा था वो क्यों कहा था, क्योंकि CAA और NRC के नाम पर भारतवर्ष में दंगे कराए गए, लोगों को मारा गया, 400 बार तक उनको स्टैब किया गया, नालों में फेंक दिया गया, लड़कियों को किडनैप किया गया, मार करके न जाने उनके साथ क्या क्या किया गया, नाले में फेंक दिया गया। यहाँ तक कि जो बालक थे या नव युवक थे उनके हाथ पैर काट करके भी आग में उनको झोंक दिया गया था। हिंदुओं को मेनली टारगेट करके उनके ऊपर हमले किए गए, उन्हीं के स्कूल, उन्हीं के घर, उनकी दुकानें, गैराज जलाए गए थे। और इधर तो ये सारा दंगा हो रहा था, उधर दूसरी तरफ फरहान अख्तर कह रहा था कि ये लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, दंगा कर रहे हैं, कुछ तो सोच कर कर रहे होंगे यार, इतने सारे लोग आए हुए हैं। यानी कि अपना बुद्धि विवेक यूज ना करने वाला फरहान अख्तर जहां हिंदुओं के खिलाफ होने वाले दंगे को भी प्रेज करता है, वहां जहां वो अपनी रियल लाइफ में भी लव जिहाद करता है, वहीं पर तूफान में इधर उधर का मसाला मिला करके वो फिर से लव जिहाद को प्रमोट करने का कार्य करता है। लव जिहाद का जो विषय है वो क्यों महत्वपूर्ण है, अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में दो सिख लड़कियों के किडनैप होने के बाद में, उनके मतांतरण होने के बाद में, खुद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं सिरसा जी, वो खुद सड़कों पर आते हैं और वो कहते हैं कि योगी जी की तरह सब ही लोगों को लव जिहाद कानून बना देना चाहिए। अर्थात जो विरोधी थे वो भी कह रहे हैं कि भैया लव जिहाद हुआ है, अब इस लव जिहाद कानून को बनाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ क्रिश्चियंस इस बात को कह चुके हैं, अन्य अन्य जितने भी मजहब संप्रदाय हैं वो भी कह चुके हैं लव जिहाद है और इस पर सख्त कानून बनना चाहिए। जबकि लव जिहाद को प्रमोट करने वाले अक्षय कुमार को हमने नहीं बख्शा, वो अक्षय कुमार जो कि देशभक्ति फिल्में बनाता हो, वो अक्षय कुमार जो कि राम मंदिर के लिए फंड रेज करने का आह्वान करता हो, खुद भी उसने फंड रेज किया हो, खुद भी उसने दान दिया हो, ऐसे व्यक्ति की लक्ष्मी बॉम्ब आने पर हम लोग उसको माफ नहीं करते। यहां रियल लाइफ में लव जिहाद करने वाले व्यक्ति हिंदुओं के
या फिर कहें कि सभी उन लोगों के प्रति, उन लोगों के समर्थन में या उन लोगों के हित में बने हुए CANRC कानून का विरोध करने वाला व्यक्ति, जिन लोगों को हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारतवर्ष में सुरक्षित ला कर के रखना चाहते हैं, उसके खिलाफ खड़े होने वाले फरहान अख्तर को, और जबकि 70-80 के दशक में हिंदुओं को बदनाम करने वाले, मंदिरों, हमारी आस्थाओं पर सीधे थूकने वाले फरहान अख्तर के अब्बू जान पर जब इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात हों, उसके बावजूद हम इसको कैसे माफ़ कर दें। फरहान अख्तर की इस फिल्म में इधर उधर के मसाले के अलावा जो सीधा संदेश दिया गया है वो है लव जिहाद का। इस वजह से इस फिल्म को सीधे सीधे बायकॉट करने की आवश्यकता है। इस फिल्म के ट्रेलर की सबसे अच्छी समीक्षा सब लोग तंत्र वाले रचित भाई ने कर डाली है, जिसको आप जाकर के देख सकते हैं। फुल डिटेल्स वहां पर दी हुई हैं। जो मुसलमान कहते हैं कि हम पर यहाँ पर जुल्म व सितम होता है, हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, अरे देखिए CANRC के बदले ये तो हमें उठा करके बाहर फेंक देंगे, प्यू रिसर्च क्या कहता है? प्यू रिसर्च कहता है कि मुसलमानों को भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा आज़ादी है। जी हाँ, मुसलमानों को भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा आज़ादी है। उनको अपने मजहब को मानने, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के विषय में आप चाहे कुछ भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा है। जबकि हिंदुओं का कन्वर्जन सबसे ज़्यादा हुआ है। ईसाइयों में 74% लोग ऐसे हैं जो पहले ही हिंदू थे, कन्वर्ट होने के बाद वो क्रिश्चियन बने हैं, और बहुत सारे लोग मुसलमान भी बने हैं। आपने देखा ही है किस प्रकार से बड़ी बड़ी संस्थाएँ, बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम कर चुके, वो भी हिंदुओं को कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। अर्थात हिंदू यहाँ पर संकट में है। हिंदुओं की आस्थाओं पर हमारा कराचीवुड सीधे सीधे थूकता है, उनके बेटे और बेटियाँ भी लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, हिंदुओं को बदनाम करने का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी लोग यही चिल्लाते रहते हैं कि भारत का मुसलमान असुरक्षित है, डर का माहौल है। जबकि यहाँ पर हुई जो रिसर्च है, जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं हैं तो वो भारतवर्ष में, यहीं पर वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, चाहे दंगा करने की आज़ादी, हिंदुओं को बदनाम करने, उनको अपमान करने, उनको गाली देने की आज़ादी, और उनको मारने की और फिर भी विक्टिम कार्ड खेलने की आज़ादी सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में ही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो तथाकथित बौद्ध हैं उनकी आज़ादी सबसे ज़्यादा है। ये बात जानकर के आपको हैरानी होगी कि हिंदुओं को जातिवाद के नाम पर बदनाम करने वाले लोग और जो अपने आप को बौद्धिज्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, उनकी आज़ादी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, इन फेक न्यूज़ एजेंसीज का काम क्या है? इन फेक न्यूज़ एजेंसीज का काम है कि मुसलमान यहाँ पर डर के माहौल में है, CANRC मुसलमानों के खिलाफ में है, और यहाँ पर लव जिहाद नाम की कोई चीज़ स्टैंड करती ही नहीं है। इन सब के नैरेटिव को बनाने में कौन लोग योगदान देते हैं? कराचीवुड, न्यूज़ पोर्टल्स और बड़ी बड़ी तथाकथित हस्तियां, ब्लू टिकधारी, ऐसे लोग जिन्होंने खाना भारत का है और गाना पाकिस्तान का है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आप लोगों के सामने फिल्म तूफान के बायकॉट का ही एक निवेदन रखा है। दूसरी चीज कि प्यू रिसर्च में भारतवर्ष के विषय में जो अन्यान्य जो धर्म और मजहब है उनके विषय में क्या कहा है, क्या रिसर्च निकली है, और ये लोग हमारे बारे में कितनी गलत अवधारणा लोगों के बीच में फैलाते हैं। इस फिल्म का बायकॉट करें, अपने लोगों को प्रेरित करें, और इस वीडियो को जन जागरण हेतु सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।